हेलो फ्रेंड्स, त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है तो आज की रेसिपी में मैं आपके लाई हूँ बालू शाही। और इसके बाद भी बैक टू बैक कुछ रेसिपीज़ आने वाली है मिठाइयों की, जिसे आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने इसमें आज क्या खास और क्या अलग किया है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर बालू शाही बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, और अगर कप से मेजरमेंट लेंगे तो जो 240 ml का कप है उससे 2 कप मैंने लिया है मैदा। इसमें मैं डालूंगी 5 कुटी हुई इलायची, हरी इलायची जो छोटी वाली होती है, साथ ही पिंच, बस बहुत ही हल्का सा। मैंने यहाँ पे डाला है फूड कलर, ऑरेंज कलर का केसरी कलर, ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहे तो डालें और चाहे तो ना डालें, बिना उसके भी आपके बालूशाही में कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। 1/8 TSP नमक और 3 चम्मच यहाँ पे मैं लूँगी रिफाइन ऑयल मोयन के लिए, और इसको अब हम अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे पहले। मैदा और जो मोयन के लिए हमने तेल डाला है या घी भी आप डाल सकते हैं, तो उसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो हाथ से अच्छे से इसको मसल मसल के इस तरीके से मिक्स करें। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून डाला था रिफाइन ऑयल, और साथ ही इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच घी। आप इसमें पूरा रिफाइन ऑयल या पूरा घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ टोटल क्वांटिटी हो गई है 5 चम्मच, या फिर आप इसको 5 टेबलस्पून भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोयन भी ना डालें, बहुत ज़्यादा मोयन डालने से भी क्या होता है कि हमारी जो जो भी हम बना रहे हैं इंग्रेडिएंट, वो खस्ता होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाते हैं। तो इसलिए मोयन की क्वांटिटी भी बहुत ज़रूरी है, संभल के डालना। ये देखिए, जब बहुत अच्छे से मोयन हमारा मैदे में मिक्स हो जाता है, हम इसको इस तरीके से बांध देंगे तो ये इस तरीके से बंध जाएगा। यही चीज़ अगर मोयन कम होता तो वो नहीं इस तरीके से हमारा मैदा बंध पाता। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसको अब मैं जो गूंदने वाली हूँ वो है दही। दही आप खट्टी ना लें और फ्रिज की ठंडी ना लें। यहाँ मैं एक चीज़ भूल गई हूँ डालना, चुटकी भर बेकिंग पाउडर। और ये पूरा आटा जो है वो मैं गूंदने वाली हूँ दही से, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बालूशाही में इससे। इसका हमें एक बहुत ही अच्छा लचीला आटा गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा गीला और ना ही बहुत ज़्यादा पूरी जैसा हार्ड। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दही ली थी, जो 240 ml का कप है उससे नाप के 1 कप दही सफिशिएंट रहा मेरा इसमें। और अब इसको मसल मसल के चिकना आटा गूंद लेंगे, और इसको मसलना हमें इस तरीके से है कि एक के ऊपर एक हमें इस तरीके से परत चढ़ाते हुए। तो ये देखिए, 2 मिनट में हमारा जो आटा है वो तैयार है। इसको हमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है, ब्रेड के आटे की तरह इसमें ग्लूटेन फॉर्म नहीं लाना है। तो आप देख सकते हैं बस ये आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और सॉफ्ट हो गया है। 20 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगी रेस्ट पर ढक के, और 20 मिनट बाद हम इसकी बनाएंगे बालूशाही। तो ये देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं, हमें इसको ज़्यादा अब नहीं मसलना है। ये जिस तरीके से है हम इसको इसी तरीके से एक छोटी सी बॉल हाथ में लेंगे। मैं यहाँ पे नींबू के साइज़ की बॉल ले रही हूँ, आपको जितना बड़ा या छोटा साइज़ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसको रोल करेंगे हल्का सा, इसको इस तरीके से बीच में से फिंगर डाल के घुमा देंगे। जो भी क्रैक्स और जो भी इधर से इस तरीके से आ रहे हैं उबड़ खाबड़, वो चीज़ रहने देंगे, उससे बहुत अच्छा शेप भी आता है और बहुत अच्छे से सीख भी जाती है हमारी बालूशाही। इसको हमें बहुत ज़्यादा चिकना एकदम स्मूथ नहीं करना है। तो यह तेल जो है वो मीडियम गर्म हो चुका है, इसको हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है।
तो या गैस की फ्लेम मैं करूंगी कम और उसमें हम डालेंगे बालूशाही। इस तरीके से एक एक करके हम इसमें बालूशाही डालते जाएंगे और इस बालूशाही को हमें अभी नहीं बिल्कुल छेड़ना है, ये अपने आप हल्की होके ऊपर आ जाएगी। मैं इसको एक एक करके इसलिए भी डाल रही हूँ ताकि हमारा तेल का जो टेम्परेचर है वो एकदम से कम ना हो जाए। तो ये देखिए हमारी बालूशाही जो है वो हल्की होके ऊपर आ चुकी है। इसको हम धीमी आंच पे ही सेकेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए, वरना ऊपर तो कलर आ जाएगा, अंदर हमारी बालूशाही कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा पेशेंस रखें और धीमी आंच पे ही इसको डीप फ्राई करें। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर हो चुकी है, अब मैं इनको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ऊपर नीचे उलटना है। तो ये देखिए जो हमने पहले बालूशाही डाली थी वो थोड़ी जल्दी सीख गई है, पर मैं इसको थोड़ी देर और सेकूंगी ताकि इसका कलर थोड़ा और अच्छा आ जाए। तो ये देखिए धीमी आंच पे इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है, इसलिए इसको धीमी आंच पे और जो जो सीख चुके हैं इनको मैं थोड़ी देर और सेकूंगी, और बाकी जो हमने बाद में एक एक करके डाले हैं बालूशाही उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा अभी सीखने में। तो यहाँ पे कुछ बालूशाही हमारी सीख चुकी है, उनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो यहाँ पे हमारी जो बालूशाही है वो सिक चुकी है, मैं इन सबको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा कड़क हमें इसे नहीं करना है ताकि ये थोड़ा अंदर तक चाशनी भी पी सके, अगर बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी तो ये अंदर तक चाशनी नहीं पी पाएगी। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चाशनी और उसके लिए मैंने लिया है एक बर्तन में 2 कप चीनी। चीनी का जो मेजरमेंट है वो 200 ml के कप से है, तो यहाँ 2 कप चीनी, साथ ही इसमें मैं डालूँगी 3/4 कप पानी। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम कर दी है और इस चाशनी को हमें पिघला के बनानी है 2 से 3 तार की चाशनी। 3 तार बहुत ही ज़्यादा जम जाता है और तुरंत जमने लग जाता है, तो 2 तार की चाशनी तक इसको आप तैयार करेंगे और उसमें फिर हम डालेंगे हमारी बालूशाही। तो यहाँ पे चीनी जो है वो हमारी लगभग पिघल चुकी है और अब इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है ताकि ये 2 तार की चाशनी हो जाए और थोड़ा जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये देखिए इस टाइम जो चाशनी है ये जल्दी जल्दी अपना ये सिंगल सिंगल, और इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लास्ट की जो बूंद है वो अब 1 तार की बननी शुरू हुई है, ये देखिए। पर हमें इसको 2 से 3 तार की चाशनी चाहिए। तो ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलता है कि 2 तार की चाशनी बन चुकी है। ये देखिए 2 जगह से जब हमारी बूंदें गिरने लगती हैं वो भी धीरे धीरे इस तरीके से, तो ये हमारी 2 तार की चाशनी बन जाती है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम मैं करूँगी बंद और इसमें हम डालेंगे हमारे जो हमने डीप फ्राई किए थे बालूशाही उनको। और इनको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस चाशनी में। अच्छे से हमारी बालूशाही पूरी लिपट जाए इस चाशनी में हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। और थोड़ी ही देर में जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा आप देखेंगे इसके ऊपर एक वाइट वाइट सी परत जम जाएगी चाशनी की। तो इस वक्त में अगर मैं इस बालूशाही को इसी बर्तन में छोड़ दूंगी तो ये एक्स्ट्रा जो चाशनी है ये भी पूरी जम जाएगी और हमारी बालूशाही भी इसमें साथ में चिपक के जम जाएगी। तो इसको अब मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी परत की मैं बात कर रही थी जो हमारी बालूशाही पे चढ़नी थी। अगर मैं इससे ज़्यादा अगर चाशनी की परत चढ़ाऊँगी तो जब ये ठंडी हो जाती है और खाने का टाइम होता है तो ये चाशनी झड़ने लगती है। इसलिए हमें सिर्फ इस पे इतनी ही कोटिंग करनी है कि ये बालूशाही को आपस में लिपटा दे मीठी चाशनी में और ओवर मिक्सिंग ना हो। तो ये देखिए हमारी बालूशाही बनके तैयार है। इसको पूरी तरीके से ठंडा होने दें और उसके बाद इसको एयर टाइट बॉक्स में आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। दही के साथ मैंने जो इसका आटा गूंदा था उससे इस बालूशाही का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कंपेयर टू पानी के साथ। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।